प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 5 जून को जन्मदिन है, तो वहीं विश्व पर्यावरण दिवस भी है, जिसके तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित आवास पर बेल का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया तथा जुलाई के प्रथम सप्ताह में एक दिन में 25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा, जबकि पूरे सीजन में 30 करोड़ पौधे लगाने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी, लोगों को पर्यावरण के संरक्षण की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी पौधे फलदार, छायादार और इमारती लकड़ी वाले होंगे। उन्होंने कहा कि गंगा जमुना को तटवर्ती क्षेत्रों में पौधरोपण का विशेष कार्यक्रम किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तटवर्ती किसान अपने खेतों में फलदार वृक्षों को लगाएंगे, उसके लिए भी विशेष स्कीम होगी, उन्हें मुफ्त में पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। इस स्कीम के तहत 3 साल सरकार सहयोग करेगी। जो लोग मेड़ पर बिना केमिकल फर्टिलाइजर के पौधे लगाएंगे, उन्हें सरकार मुफ्त पौधे उपलब्ध कराएगी। आपको बता दें कि पिछले वर्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 करोड़ पौधे एक दिन में लगाने का रिकॉर्ड बनाया था। उससे पहले 22 करोड़ पौधे लगाए गए थे। उन्होंने लोगों से ज़्यादा पीपल, बरगद, पाकड़, देसी आम, सहजन आदि के पौधे लगाने की अपील की। इस वर्ष भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दिन में 25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण करके ही हम न केवल जीव सृष्टि की रक्षा कर पाएंगे, अपितु एक सुखद और आनंददायक जीवन प्रत्येक जीव जंतु को देने में सफल हो पाएंगे। कोरोना संकट, जो वैश्विक महामारी कोरोना आया है, इसने हमारे सामने आज अनेक ऐसी परिस्थितियां दी हैं और सोचने के लिए प्रत्येक नागरिक को मजबूर किया है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके हम पर्यावरण को जितनी क्षति पहुंचाएंगे उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम अपने पर्यावरण की रक्षा करके प्रकृति के साथ कैसे समन्वय स्थापित कर सकते हैं, इसकी एक नई प्रेरणा ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, जैसे कि अभी आप जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना संकट से उभरने के लिए पीएम पैकेज की घोषणा की है और पीएम पैकेज के माध्यम से लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए अनेक प्रकार के प्रावधान किए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जैविक खेती को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर हमारी कार्य योजना बनकर के तैयार है। नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए जो कार्य विगत 5 वर्षों के दौरान हुआ है, आज उसके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में व्यापक वृक्षारोपण के एक बृहद अभियान को हाथ में लेकर के जो किसान गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में फलदार वृक्ष अपने खेत के मेड़ पे लगाएगा, उसे निशुल्क पौधा उपलब्ध कराने, जो अपने पूरे खेत में फलदार वृक्ष लगाएगा, कोई केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड उपयोग नहीं करेगा, उसे प्रतिवर्ष महीने के हिसाब से कुछ सब्सिडी शासन स्तर पर एकड़ के हिसाब से देने की व्यवस्था के साथ ही हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि पूरे प्रदेश में इस पूरे सीजन में हम लोग 30 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को वन विभाग के माध्यम से करने का कार्य करेंगे। इसके साथ ही यह भी लक्ष्य रखा गया है
ये वन महोत्सव का कार्यक्रम 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में होगा। किसी एक तिथि को वन विभाग के साथ सभी विभागों की बैठक एक बार हो चुकी है, मैंने एक बार बैठक ले ली है, हमारे वन मंत्री जी इसकी बैठक निरंतर ले रहे हैं और हमारा प्रयास है कि एक ही दिन में फलदार छायादार इमारती लकड़ियों से संबंधित जो वृक्ष होंगे ऐसे सभी वृक्षों को लगा करके हम लोग एक ही दिन में 25 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य के साथ प्रदेश वर्तमान में कार्य कर रही है। और मेरा विश्वास है कि विगत 3 वर्ष के दौरान वृक्षारोपण के जिस कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर किया है उसमें एक एक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को जियो टैग करना, उसके संरक्षण की व्यवस्था करना, प्रदेश के वनाच्छादन को बढ़ाना और लोगों को पर्यावरण के प्रति अधिक से अधिक जागरूक करके प्रकृति के संग रहने के लिए आगे बढ़ना, यही आज का संदेश है। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों को पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस की अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं यह पर्यावरण का संदेश हम सबको अपने पर्यावरण को अधिक से अधिक संरक्षित करने और प्रकृति के संग समन्वय बनाने की प्रेरणा प्रदान करेगा।